खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आना है कि बहुमत परीक्षण की तारीख क्या हो। किस्सा कुर्सी का तो आपने बहुत सुना होगा, बात भी लगातार चल रही है, लेकिन अब जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किस्सा खाली कुर्सी का है, जो महाराष्ट्र में सत्ता के लिए चल रहे संघर्ष में नए कयासों को जन्म दे रहा है। ये वो तस्वीर है जिसकी कल खूब चर्चा हुई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बगल में रखी गई इस खाली कुर्सी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार को बैठना था, लेकिन वो बैठक में नहीं पहुंचे। ये बैठक वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हो रही थी, जिसमें सूखा और बाढ़ के हालात से निपटने और आपदा प्रबंधन पर चर्चा हुई। अब सवाल ये उठने लगे कि अजीत पवार इस अहम मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि अजीत पवार कल विधानसभा पहुंचे थे। रविवार शाम ट्विटर पर अजीत पवार ने यह साफ कर दिया कि जिस रास्ते वो निकले हैं बीजेपी के साथ, वहां से वापस अपने चाचा शरद पवार के पास आने के लिए वो राजी नहीं है। बावजूद इसके, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से अजीत पवार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और एक तरीके से खुद को घर में बंद कर रखे। चाचा से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले अजीत पवार आगे क्या करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच अजीत पवार को मनाने की कोशिश लगातार हो रही है। कल एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने दो बार अजीत पवार से मुलाकात की, लेकिन बात क्या हुई ये नहीं बताया। अरे मैं क्या बात आपको कैसे बताएंगे भाई। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए चल रही लड़ाई के बीच लगातार एनसीपी के नेता अजीत पवार से मिल रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल भी अजीत पवार से मिले। बाहर निकले तो सिर्फ इतना कहा कि चर्चा हुई, हमारी थोड़ी चर्चा हुई है, शायद फिर एक बार मिलने की हम कोशिश करेंगे। अजीत पवार ने क्या कहा है आपको? ये नहीं बताऊंगा। जब अजीत पवार ने चाचा से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो पार्टी ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला। जब शरद पवार से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस बारे में फैसला लेगी। या सगळ्या गोष्टी कोणी एक व्यक्ती ठरवत नाही, पक्षाच्या समोर ज्यावेळी विषय येतील त्यावर निर्णय घेतले जाते। पूरे घटनाक्रम में अहम बात ये कि अजित पवार से मिलने वाले जयंत पाटिल ने रात में शरद पवार से भी मुलाकात की है। तमाम कयासों के बीच फिलहाल जो दिख रहा है वो ये कि अजीत पवार बीजेपी के साथ बने हुए हैं और एनसीपी विधायकों के समर्थन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर ये कि एनसीपी के 51 विधायक जो होटल में हैं उनकी निष्ठा फिलहाल शरद पवार के साथ दिख रही है। अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में समीकरण बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।